हाय, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के बारे में, जिसको क्या है, यूजुअली काफ़ी लोगों को नहीं भी पता रहता है ये क्या है। एंड जब हॉस्पिटल में हम लोग डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं पेशेंट को कराने को, तो पेशेंट को लगता है कि ये क्या करा रहे हैं। एंड इवन काफ़ी लोगों को पता भी रहता है, बट हाफ नॉलेज रहती है, तो वो जो है उसकी वजह से वो कभी कभी हेजिटेंट करते हैं, या फिर काफ़ी लोगों को जानना भी चाहते हैं कि क्या है एंड किनको कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, एंड कब करते हैं, किस 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 चीज़ के लिए करते हैं, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया। एंड उसका क्या इम्पोर्टेंस है स्पेशली, तो ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये जो क्या रहता है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है, नाम ही है। तो सितंबर जो मंथ है, ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का अवेयरनेस मंथ है, तो इसीलिए मैंने अभी ये वीडियो अपलोड किया। तो इसमें क्या है, न्यूबॉर्न टाइम में यूजुअली कब करते हैं, जब बच्चा डे अराउंड 24 to 48 आवर्स के बीच में रहता है, वो जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है। अदरवाइज थोड़ा बहुत बाद में भी कर सकते हैं, अगर कभी हमें लगता है सिम्टम्स कुछ हैं तो फिर हम बाद में भी करते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जो है यूजुअली अगर आइडियली आप रूटीनली कराना चाहते हैं, एंड आप अभी न्यूबॉर्न बेबी होने वाला है तो आप देख रहे हैं अगर ये वीडियो, तो जो है प्रेफरेबल टाइम है 24 to 48 आवर्स। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे को कुछ बहुत ज़्यादा पेन होगा। बच्चे का जो हील है वहाँ से जस्ट एक नीडल प्रिक करके जस्ट 3 ड्रॉप्स जो है ब्लड लिया जाता है। तो वो ऑब्वियसली बच्चे का जब हम GRBS चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, तो वो एक बहुत ही जस्ट माइनर एक प्रिक करना है नीडल, तो जस्ट उससे जो है एक कार्ड आता है उस पर ब्लड कलेक्ट करते हैं, स्पॉट ले लेते हैं, तो उससे जो है काफ़ी सारे डिसीजेस का हमें पता लगता है। तो ये हमें क्यों कराना चाहिए, अगर लोगों को लगता है कि बेबी तो नॉर्मल है तो हमें क्यों कराना है, तो ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग ऐसी बीमारियों को डिटेक्ट करता है जो कि न्यूबॉर्न टाइम में नहीं होती हैं, यूजुअली कुछ टाइम बाद होती हैं, या फिर जो रहता है काफ़ी टाइम बाद पता चलता है। और वो स्पेशली ऐसी बीमारियां हैं कि अगर आपको पहले पता चल जाए तो उसमें से जो है काफ़ी सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो सकता है, या आप जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन चीज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो बच्चों को जो थायराइड होता है, तो अगर वो न्यूबॉर्न टाइम में पता चल जाएगा तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो नॉर्मल होगा। एंड कुछ और भी बीमारियां हैं जिसमें डाइट चेंज करके, या फिर जो है कुछ चीज़ों का रेस्ट्रिक्शंस करके, या फिर कुछ मेडिकेशन देके, जिनको जो है जल्दी ट्रीट किया जा सकता है, या फिर कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली जो रहती हैं काफ़ी सीवियर हार्ट डिसीज जो रहती हैं, तो उसमें क्या रहता है, सिर्फ एक हील प्रिक नहीं करना है, एक्चुअली ईयर टेस्ट भी रहता है इंक्लूडेड, एंड जो रहता है पल्स ऑक्सीमीटर से बच्चे का सेचुरेशन भी देखा जाता है। तो अगर नॉर्मली जो है बच्चे का सेचुरेशन हम देख रहे हैं 95 एंड अबव है, तो हो सकता है कि बच्चे को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, बट वो जो रहेगी यूजुअली माइनर प्रॉब्लम रहेगी, या फिर हो सकता है उतना सीरियस नहीं रहेगी। कुछ रहता है लेफ्ट टू राइट शंट एंड ऑल, शायद वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो वो जो है, लेकिन अगर बच्चे का सेचुरेशन बहुत कम है, कुछ बीमारी ऐसी रहती हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम 2 हफ्ते 6 हफ्ते तक कुछ भी सिम्टम्स नहीं होगा, कुछ भी बच्चे को नहीं पता चलेगा, बट अचानक से थोड़े दिन बाद जो है बच्चा बहुत ही सीरियस हो जाएगा, या बच्चा जब रोएगा तो अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा नीला पड़ जाएगा और ऐसे बार बार होगा, तो बच्चे का जो है लंग्स पे इफेक्ट और इन सब पे आएगा। तो ये जो है अगर शुरू में ही पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्जरी या जो भी चाहिए, बट अगर काफ़ी दिनों बाद पता चलता है या अचानक से आप घर पर हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो रहता है तब दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जो है ये टेस्ट अगर एटलीस्ट कुछ बेसिक, तो जो है पल्स ऑक्सीमीटर और ईयर एग्जामिनेशन में भी अगर हियरिंग कुछ डिफेक्ट है, तो कुछ डिफेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि जो जल्दी ट्रीट कर देंगे तो वो ठीक हो जाते हैं, एंड कुछ जो रहते हैं अगर नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो वो जो है धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप न्यूबॉर्न में आपको यूजुअली नहीं पता चलेगा कि बच्चा ठीक से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे कॉमन डिसीजेस जिसके बारे में पता चलता है वो ये सब हैं, जिसमें कि अराउंड 35 to 37 डिसीजेस आती हैं। ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि किस
इंडिया में भी इवन कुछ जगह कुछ बीमारियां ज़्यादा होती हैं, कुछ जगह कुछ ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो इवन अगर आप फॉरेन में किसी और कंट्री में हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ और बीमारी ज़्यादा होती है, जो कि आपको न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में हो सकता है डॉक्टर बोलेंगे रूटीनली कराइए, एंड इंडिया में वो बीमारी होती ही ना हो या फिर बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो हो सकता है कि ना भी बोलें। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में रह रहे हैं एंड वहाँ पे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में क्या क्या सजेस्ट करते हैं। एक्चुअली ये भी तीन चार टाइप के कैटेगरीज हैं, वो सब मैं अभी बताऊँगी। एंड बाकी टोटल जो लिस्ट है वो मैंने वीडियो के एंड में शेयर की है कि क्या क्या बीमारियाँ जो हैं इससे पता चल सकती हैं। बट जो कुछ कॉमन बीमारियाँ हैं वो मैं यहाँ बता रही हूँ, लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि लंग की एक बीमारी है, सिकल सेल डिसीज जो कि ब्लड की एक बीमारी है, देन गैलेक्टोसीमिया, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़, कुछ हेयरिंग प्रॉब्लम या कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ये बहुत ही कॉमन है। एंड इसको जो है हम अगर जल्दी पता चल जाएगा तो इजीली ट्रीट हो जाती है, बच्चे का डेवलपमेंट नॉर्मल रहता है। देन कॉन्जेनाइटल हेड्रिनल हाइपरप्लेजिया, देन होमोसिस्टिनुरिया, ये सब कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो कि हैं काफ़ी बहुत ही कॉमन है, मतलब बहुत ही कॉमन से मतलब काफ़ी मिलते हैं केसेस। तो ये सब भी न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि काफ़ी रेयर हैं, तो ये कैटेगरीज मैं अभी बता रही हूँ, तो उस हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड या डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। तो इसमें कैसे पता चलता है, ये जो रहता है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में डीएनए देखा जाता है, जीनोमिक सीक्वेंस देखा जाता है, उसमें अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है उसके हिसाब से रिपोर्ट दी जाती है। एंड तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आपको लगता है ये किसी और को हेल्प कर सकता है, या कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या कोई न्यूबॉर्न होने वाला है किसी का, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब।